ये है बिहार SSC कर्मचारी चयन आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। इसका 7 साल से मामला लटका हुआ है। परीक्षा और परिणाम कई बार आए हैं मगर बातें वहां तक नहीं पहुंच पाती है जहां के लिए छात्र आवाज़ और मांगे उठाते हैं। अभी हम पूछूंगा एक छात्र से, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मनोरंजन कुमार है। अच्छा, हम बिहार SSC प्री रिजल्ट क्लियर करके मेंस के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात है, दरअसल बिहार SSC हम लोग का हालत इस प्रकार से कर दी है कि जवानी को बुढ़ापे में बदलने जा रही है। 2014 में वैकेंसी आती है और पहली बार इसका एग्ज़ाम 2017 में होता है, और उस समय ये एग्ज़ाम से पहले ही 4 दिन का एग्ज़ाम रहता है तो 4 दिन का क्वेश्चन आउट करवा देते हैं, जिस वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो जाती है। फिर उसके बाद ये 2 साल के बाद 2018 में ये दिसंबर में एग्ज़ाम लेती है, जिसका रिजल्ट ये 2020 में जारी करती है फरवरी में रिजल्ट जारी करती है। वो भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बाद करती है। कोई भी काम हुआ है जो अभी तक हुआ है वो धरना प्रदर्शन और आंदोलन के बाद ही हुआ है। इसके इतिहास को समझिए कि ये 2018 दिसंबर में एग्ज़ाम लेती है प्री, फिर 2 साल बाद ये प्री का रिजल्ट देती है फरवरी 2020 में, फिर उसके बाद अभी तक मेंस नहीं लिया गया। मेंस का अभी तक 4-5 डेट निकाल दिया गया और बार बार किसी न किसी वजह से कैंसिल कर दिया जा रहा। इसमें पूरा का पूरा धांधली किया करता है बिहार SSC का यह पूरा इतिहास रहा है कि आज तक इसका कोई भी दामन साफ नहीं है। इसमें पूर्ण रूप से धांधली की वजह से ये सारा का सारा कुछ हो रहा है। ज़रा सोचिए कि यह 2014 का वैकेंसी और 2020 बीत गई, अब 2021 आने वाली है। 7-7 साल से लड़का हम लोग पटना में रह के किस किस हालात से गुजर के तैयारी करते हैं और फिर भी हम लोगों का कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आता। बिहार से आए हैं आप? हम सीतामढ़ी से आए हैं। आज की मुख्य मांगे क्या है, एग्जाम या धांधली रोक? मांगे यही है, एडमिट कार्ड जारी करें। आज हम लोग एडमिट कार्ड जारी कर देगा। हम लोग कल से हम लोग एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे फिर से। हम लोग का पूरा टेंशन बढ़ा हुआ है कि एडमिट कार्ड नहीं जारी कर, मतलब पढ़ाई करने मन नहीं लग रहा है। और ऐसा नीतीश कुमार नहीं जान रहा है कि बिहार SSC में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार जानता है कि वोट कहाँ नहीं पड़ा, जानता है कि कौन साइलेंट वोटर है सब जानता है, और ये नहीं जानता है कि मतलब यहाँ क्या हो रहा है। ये साइलेंट नहीं जान रहा है कि साइलेंट हमारा कर्मचारी है कि नहीं है। इसको नोटिस जारी करना होगा तबे हम लोग यहाँ से निकलेंगे, नहीं तो नहीं निकलेंगे यहाँ से हम लोग। एडमिट कार्ड जारी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम, हम लोग आए हैं सीवान से आए हैं, सीतामढ़ी से। आप कहाँ से आए? हम आए हैं आरा से। सभी लोग गांव से अभी आ रहे हैं? हम भागलपुर से आ रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। अच्छा, और 2018 में पीटी का रिजल्ट जो पीटी का एग्जाम जो लिया, और 2020 में धरना देने के बाद रिजल्ट दिया है, और आयोग का कहीं ना कहीं इसमें धांधली करने का थी मंशा है, और इतिहास रहा है इसका। और 3 बार इधर डेट एक्सटेंड कर चुका है। 18 अक्टूबर को पहले दिया, फिर 29 नवंबर को दिया, फिर 13 दिसंबर को दे रहा है। तो अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया। 4 तारीख हो चुका है और हम लोग का लाइफ बर्बाद कर दिया। जिस तरह नीतीश कुमार अनुकंपी सरकार बन चुकी है, उसी तरह स्टूडेंट को अनुकंपा बनाने के तुली हुई है। ये फॉर्म आया था 2014 में, 13,000 कुछ छात्रों की बातें थी। उसके बाद फिर 2016, 17, 18 और 19 पिछले साल 1 महीने में निकालने की बात हुई थी। उसके बाद फिर निकाला गया, फिर एग्जामिनेशन के लिए 2-3 डेट निकाला गया है, मगर उसी लिए छात्र आक्रोशित है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्र भी इकट्ठा हैं। और कोई बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे? जी बताइए, क्या नाम? हम सरकार से और बिहार कर्मचारी चयन आयोग से ये मांग करते हैं कि बहाली का लगभग 7 साल होने जा रहा है। ये बताइए कि 2 बार विधानसभा का चुनाव हो जाता है, नीतीश कुमार 2 बार सत्ता पे आसीन हो जाते हैं, 3 बार शपथ हो जाता है, और लड़का का कोई सूद नहीं लिया जाता है। हम सरकार से मांग करते हैं, आयोग से मांग करते हैं कि मेरा जो 7 साल जीवन बर्बाद हुआ है वो नीतीश कुमार और बिहार कर्मचारी चयन आयोग मेरा लौटा दे, नहीं तो एडमिट कार्ड जारी करे और 1 महीने के अंदर हम लोग को ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी पूरी कराए। जब चुनाव के रिजल्ट बहुत अच्छे से इन लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं। जी और क्या बता रहे हैं? हम लोगों का आज का यही मेन उद्देश्य है कि जो 13 दिसंबर को ये एग्जाम का डेट दिया गया, उसका एडमिट कार्ड जारी करें और 13 दिसंबर को ही एग्जाम हो। ये डेट नहीं बढ़नी चाहिए, किसी भी हालत में नहीं बढ़नी चाहिए। इससे साफ स्पष्ट होता है अगर ये डेट बढ़ती है अभी तक एडमिट कार्ड नहीं, तो ये सारा का सारा सीट अंदर ही बेच चुकी है। इसीलिए ये बार बार इस प्रकार का नौटंकी करती है। सरकार का भी मंसूबा है, सरकार भी ये बात किसी से छिपी भी हुई नहीं है कि बिहार ऐसा
एसएससी का दामन में दाग लगा हुआ है पूरा। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं कोई भी एग्जाम इसमें साफ नहीं हुआ, जिसका कोर्ट मैटर नहीं है, जेल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। एक तो आज यहाँ पर आने का मकसद है कि हमको एडमिट कार्ड दीजिए, हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम अमन कुमार हुआ सर, 2014 में जो है बिहार एसएससी हो चुका है। आज जो मांगे हैं वो एडमिट कार्ड मांगने की बातें हैं और 13 तारीख को एग्जाम। यस, हम सब छात्रों का मांग है कि 13 तारीख को जो है एडमिट कार्ड जारी किया जाए। एक रिक्वेस्ट है, आप ही लोगों की बात के लिए आए हैं, कोई एक आदमी ये बोल रहे हैं तो सुन लीजिए, रिक्वेस्ट है, आगे आ जाइएगा भैया, बताइए। भैया मेरा सब उद्देश्य है आज आने का पर्पस कि 13 तारीख को ही मेरा सब एग्जाम कंडक्ट हो और उसके लिए आज शाम तक में एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिव किया जाए ताकि हम लोग सही समय पर जो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और आगे एग्जाम का जो बाकी 5 या 6 दिन बचा है उसका अच्छा से प्रिपेरेशन करके। आज 4 दिसंबर है और 13 तारीख को एग्जाम है, छात्र अभी अपनी मांगे कर रहे हैं, लगभग 13,000 की वैकेंसी है, हम छात्रों से बात करते हैं। जी ये लोग जो है खाली हमेशा है कि बहाना बनाते रहते हैं, ऐसे ना हमेशा कहते हैं कभी 18 तारीख कभी 29 तारीख, बताइए 6 साल से हम लोग को पेंडिंग में रखा हुआ है, हम लोग गार्जियन परेशान है सर, उन लोग को लग रहा है कि हम लोग धोखा दे रहे हैं, सरकार थोड़ा भी कॉन्शियस नहीं है हम लोग के फ्यूचर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? नालंदा से सर। नालंदा में कहाँ से आए? नालंदा पावपुरी सर। अच्छा चलिए, आपका क्या नाम हुआ भैया? मेरा शशि रंजन कुमार नाम हुआ सर। कहाँ से आए? हम मोतिहारी से आए हैं यहाँ पर। हम लोग का दुर्भाग्य है कि एक नोटिस के लिए बीएसएससी ऑफिस में प्रोटेस्ट करना पड़ता है, एक ऑफिशियल नोटिस के लिए हम लोग धरना देते हैं। हम लोग का ये डिमांड है कि 13 तारीख को एग्जाम होगा या ना होगा, एडमिट कार्ड कब जारी करे, कुछ तो नोटिस दे दो सरकार, कुछ तो बोलो। आप बहाना बना रही है कि एग्जाम लेंगे कि नहीं लेंगे, यदि लेंगे हमको एग्जाम कब नोटिस जारी करेंगे। आयोग बहाना बना रही है कि कोर्ट का डिसीजन है, तो कोर्ट का डिसीजन दरोगा में भी हो चुका है और पिछले बार बिहार ग्रेजुएशन लेवल में भी हो चुका है, लेकिन कोर्ट का हम मानते हैं कोर्ट का भी डिसीजन चलेगा, लेकिन आप 10 दिन एग्जाम बचा है तो आप एडमिट कार्ड जारी कीजिए, आगे प्रोसेस कीजिए, बाकी कोर्ट का फैसला हम चलते रहेगा। उसमें अभी समय बचा है, यहाँ पर हम अभी जाकर बात करना चाहेंगे छात्र से, अभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन और मांगे कर रहे हैं, पुलिस का अपना पुलिस महकमा अपनी जगह पर आ चुकी है इन लोगों को हटाने के लिए, मगर इन लोगों का मांग है कि 13 तारीख को एग्जाम होना है, आज 4 तारीख हो चुका है, एडमिट कार्ड आखिर कब आएगा और यह मामला 7 सालों से चल रहा है। अभी के फिलहाल में इतना ही कहेंगे, झकास भारत से मैं रविकांत, कैमरामैन रवि जी, धन्यवाद।